हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सीरीज के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो रहेगी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जितनी भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो काफी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, ये हमारा लेक्चर फर्स्ट रहेगा और उसके अंदर जो है हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जितने भी हमारे लेक्चर आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन होंगी, चाहे वो सार्क हो, आसियान हो, चाहे और भी कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर इन क्वेश्चंस को। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ जहां पे ये टॉपिक जो है जेकेएसएसबी के एग्जाम में भी मेंशन है, अगर जेकेएसएसबी के एग्जाम में मेंशन नहीं है तो फिर भी आपने इन क्वेश्चन को करना है, क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर को भी डिस्कस करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के रिलेटेड आपको ये मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कहाँ कहाँ करंट अफेयर के क्वेश्चन पहले भी जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेकेएसएसबी एग्जाम की हो, चाहे किसी भी एग्जाम की हो, तो उन सभी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका जो है राइट आंसर बता सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कौन से साल जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, 1947, 1948, 1949 या 1950। तो सबसे पहला क्वेश्चन जहां पे वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका राइट आंसर जो है बता सकते हैं। सो राइट आंसर आपका जहां पे आंसर बी रहेगा, यानी कि 1948 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। आप जहां पे देख सकते हैं पूरा एग्जैक्ट डेट, जहां पे देख सकते हैं 7 अप्रैल 1948 को इसको बनाया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको बोलते हैं WHO। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, दिल्ली, जनेवा या बीजिंग। तो जहां पे सेकंड क्वेश्चन आप जहां पे देख सकते हैं, आप कमेंट करके इसका आंसर जो है बता सकते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क, दिल्ली, जनेवा या बीजिंग। सो आंसर आपका जहां पे सी रहेगा, जनेवा। जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, जहां पे देख सकते हैं जनेवा स्विट्जरलैंड। जो हेडक्वार्टर है जनेवा का, इसको डिजाइन किया गया था जेन के द्वारा और इसको इनोग्रेटेड किया गया था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से साल जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि आईएमएफ के बारे में आपने सुना होगा कि आईएमएफ को कौन से साल इसको इस्टेब्लिश किया गया, 1945, 1946, 1947 या 1948। तो आईएमएफ को इस्टेब्लिश किया गया 1945 के दौरान, ठीक है। तो 1945 का राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर फोर, जो हेडक्वार्टर है आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी यूएस के अंदर, रशिया के अंदर, मलेशिया के अंदर या लंदन के अंदर। तो हेडक्वार्टर है आईएमएफ का कहाँ पे, आंसर बनेगा ए, वाशिंगटन डीसी यूएस के अंदर आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आईएमएफ का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं आईएमएफ के रिलेटेड, और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके हेडक्वार्टर और उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे वो जेकेएसएसबी के एग्जाम हो, चाहे वो और कई डिफरेंट एग्जामिनेशन की बात करें, तो सब एग्जाम के अंदर आपको इन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेंबरशिप की बात करें तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितने मेंबर्स हैं आईएमएफ के अंदर, तो आपको जहां पे याद रखना है 190 कंट्रीज हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है आईएमएफ के कौन है, सो आंसर आपका रहेगा क्रिस्टलिनिया जॉर्जिविया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिनिया जॉर्जिविया, ये है आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर फाइव, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन से साल बनी थी, 1994, 1995, 1996 और 1997। जनरल है जहां पे अगर बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन डीसी में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है या हेग नीदरलैंड में है। तो जहां पे क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर रहेगा आपका आंसर सी, आंसर सी यानी कि जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और इसमें टोटल जो मेंबर्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टोटल कंट्रीज है 164। क्वेश्चन नंबर सेवन,
सेक्रेटरी जनरल के बारे में बताना आपने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है। ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, हु इज द करंट, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंटोनियो गुटरस, अमीना जे मोहम्मद, डेनिस फ्रांसिस या पोला नवराज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका जहां पे ए बनेगा, अंटोनियो गुटरस। जो तीन ऑप्शन जहां पे मैंने आपको बताया है ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा। करंट की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटरस है, और जहां पे आप देख सकते हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है अमीना जे मोहम्मद है। उसके बाद जनरल असेंबली प्रेसिडेंट की बात करें तो यह है डेनिस फ्रांसिस, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रेसिडेंट की बात करें तो यह है पोला नवराज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर एट, कौन से साल जो है यूनाइटेड नेशन केम इनटू फोर्स विद, यानी कि कौन से साल जो है इन्होंने अपना वर्क करना स्टार्ट किया था, 1945, 1946, 1947 या 1948। तो आंसर आपका जहां पे रहेगा 1945। जहां पे इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन जहां पे बताना चाहूंगा, सिर्फ 1945 नहीं पूछा जाता, जहां पे पूरी कंप्लीट डेट पूछी जाती है। तो अगर आपको कंप्लीट डेट पूछी जाए कि कौन से साल ये केम इनटू फोर्स हुआ था, तो आंसर आपका जहां पे रहेगा सीधा, ये आप देख सकते हैं यूएन चार्टर को साइन किया गया था 26 जून 1945। ठीक है, अगर आपको जहां पे पूछा गया कि यूएन चार्टर को कब साइन किया गया था, तो आपका आंसर रहेगा 26 जून 1945। मगर अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि चार्टर जो है कब केम इनटू फोर्स हुआ था, तो फिर आपको याद रखना 24 अक्टूबर 1945। ये आंसर जो है बिल्कुल कंप्लीट आंसर है, ऐसे आपको ईयर नहीं पूछा जाएगा, साथ में पूरी डेट पूछी जाएगी। तो अगर आपको पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन जो है कब केम इनटू फोर्स हुआ, तो आंसर आपका रहेगा 24 अक्टूबर 1945। बट अगर आपको पूछा गया कि यूएन चार्टर कब साइन किया गया था, तो आंसर आपका रहेगा 26 जून 1945। मेंबरशिप की बात करें तो जहां पे टोटल जो है 193 मेंबर स्टेट्स हैं, दो ऑब्जर्वर्स की कंट्रीज हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मड, कौन से साल जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई, 1917, 1918, 1919 या 1920। तो आंसर आपका जहां पे रहेगा सी। ठीक है, 1919 को बनती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। नोबेल पीस प्राइज भी इसको मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको 1969 के दौरान। अब करंट की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, तो है गिल्बर्ट होंगवो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर के रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कौन से साल जो है वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया, वर्ल्ड बैंक को कब इस्टेब्लिश किया गया, 1943, 1944, 1945 या 1946। तो वर्ल्ड बैंक बनता है आंसर, बी बनेगा आपका 1944 इसका जो है राइट आंसर है। हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड बैंक का कहां पे है, वाशिंगटन डीसी यूएस के अंदर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कंट्रीज के बारे में आपने याद रखना है, 189 कंट्री है वर्ल्ड बैंक के अंदर, और जे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जे केएसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था अजय बांगा के रिलेटेड, कि वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो आंसर आपका जहां पे अजय बांगा था। जे क्वेश्चन एग्जाम में, जे केएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया, तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको जे केएसएसबी के हर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी, बट जे आपको करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है जे एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल का कोई भी एग्जाम हो, जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरी इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जे था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, इस वीडियो के अंदर हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया, और जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी उनको हम सीरीज वाइज अपने वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कैसे लगी सीरीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। आप चाहते हो इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज जहां पे जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।